नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और आज ही के दिन जेडीयू ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। खास बात यह है कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन किसी छोटे मैदान में नहीं बल्कि बिहार के सबसे बड़े मैदान पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया है। अभी मैं हूँ श्याम रजक जी के घर पर, जहाँ पर लोगों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ये तो स्थानीय विधायक हैं, इनके लोग तो घर से सुबह चलेंगे, दो घंटे में पटना पहुंच जाएंगे, फिर भी व्यवस्था की गई है यहाँ पर लोगों के ठहरने खाने पीने की। आइए बात करते हैं, क्या तैयारी है इस कार्यकर्ता सम्मेलन की? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जनता दल यू के कार्यकर्ता हमारे बूथ कमेटी के लोग भी बुलाया गया है, और बुलाया गया है साथ ही आज जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की जन्मदिन है, इसी डेट को तिथि तय की गई कि हम जन्मदिन का उल्लास भी करेंगे और संकल्प लेंगे सारे कार्यकर्ता कि हम बिहार के विकास के लिए जो नेतृत्व हमको मिला है 2005 से, उस नेतृत्व की शक्ति को और मजबूत करके बिहार को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के क्षितिज पर एक बड़ा नाम फिर से स्थापित करेंगे, इसीलिए हम लोग तैयारी किए। श्याम रजक जी, तैयारी तो रैली की लग रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन है। रैली जनता दल यू तो अपने आप एक बड़ा जमात है, बड़ा जमात में हम लोगों ने सिर्फ हर बूथ, यहाँ लगभग 7200 बूथ हैं पूरे बिहार में, 7200 बूथ से हमारे जो कार्यकर्ता आए हैं तो आप समझ लीजिए वो सब हमारे कार्यकर्ता है, बूथ कमेटी है, बूथ अध्यक्ष है। ये रैली नहीं है, रैली नहीं है, रैली होगा तो यहाँ कोई जगह है रैली करने के लिए जनता दल यू का? ये तो जश्न है और अपनी संकल्प शक्ति का। इतनी तैयारी क्यों, इतना टेंट, इतना पंडाल, खाने पीने की व्यवस्था? देखिए, हमारे कार्यकर्ता जब आएंगे तो यहाँ आकर के उनका सम्मान भी करना होगा ना, ये हम सबकी प्रतिबद्धता है और हम सब लोग उसके स्वागत के लिए। तो आज जन्मदिन के अवसर पर नीतीश कुमार चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं? चुनावी शंखनाद, हम तो हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के उल्लास से अपने आप को समन्वित करके इस बिहार के विकास का के लिए और मजबूती से सब मिल करके रहें, इसका हुंकार होगा। तेजस्वी यादव से करीब होते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार, या तेजस्वी नीतीश कुमार के करीब होते दिख रहे हैं? 12 करोड़ जनता जो है बिहार का, उसमें जो लोग हैं सब नीतीश कुमार जी के नज़दीक है और उनके हृदय में बसा हुआ है। लेकिन इससे तो बीजेपी डरेगी ना, नीतीश कुमार के करीब तेजस्वी यादव होंगे। बिहार की आबादी 12 करोड़ है, 12 करोड़ लोग में जो भी नाम आप ले लीजिएगा सब 12 करोड़ के अंदर हैं, सब लोगों के दिलों में नीतीश कुमार जी का चेहरा है। तो आरजेडी के साथ भी जेडीयू जा सकती है क्या? नहीं नहीं, हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारा बीजेपी लोजपा का बहुत मजबूत गठबंधन, इस गठबंधन पर कोई भी कोशिश करेगा, कितनी भी ताकत लगाएगा वो टूट जाएगा, हमारा NDA में कहीं किसी तरह का झांक नहीं। आज तेजस्वी यादव ने एक संदेश देने की कोशिश की है और कहा है अभिभावक नीतीश कुमार जी को, जिनको हमेशा पलटू चाचा, पलटू राम कहते थे, आज अभिभावक कह के, आदरणीय अभिभावक कह के संबोधित किया है, क्या मैसेज दिया है? देखिए, यही है कि किसी संस्कारी आदमी के बगल में बैठ जाइए तो उसका संस्कार बदल जाता है और वो शुद्धता के साथ रहता है। तो हमारे विपक्ष के नेता माननीय नीतीश कुमार जी के आमने सामने बैठते और उनकी बातों को सुनते हैं, इससे उनके संस्कार में परिवर्तन आया है और वही इस बात का द्योतक है। 20 मिनट में बदल गए नीतीश कुमार से मिलने के बाद? नहीं, बदल नहीं गए, उनका जो व्यवहार था, उनकी जो संस्कार थी, वो बदलने के प्रयास कर रहे हैं। तो आपने श्याम रजक जी को सुन लिया, ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है LJP का, वो इंटैक्ट है और यही चुनाव में अपना असर दिखाएगा, कामयाबी हासिल करेगा। तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ 20 मिनट बैठे तो उनके संस्कार में सुधार आ गया, उनके हाव भाव में, बोलचाल में सुधार आ गया। ये दावा है श्याम रजक जी का। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले एक साल में 11 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी करिए, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।